और अब हम जा रहे हैं बेरी बाग, तो चलो चलते हैं बेरी बाग के अंदर। ये रहा बेरी बाग, यहाँ पढ़ सकते हैं वैधानिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र। चलो तो यहाँ पर घूमने के लिए जो है लगता है ऐसा एक एंट्री टिकट जिसकी कीमत जो है वो 10 रुपये पर हेड होती है, एक व्यक्ति की 10 रुपये। आप दे सकते हैं इसे 10 रुपये पर हेड, तो 10 रुपये एक जने का है। तो इसे आप गेट से आप बनवा सकते हैं एंट्री गेट से, उसके बाद मस्त अभी घूमिए। टाइमिंग इसमें लिखी हुई है, टाइम बताता हूँ आपको मैं, समय लिखा है इसमें 5 बजे से 7 बजे तक ग्रीष्मकालीन, ठीक है, यानी कि ये गर्मियों के लिए, और 4 से 6 शाम के शीतकालीन, तो ये इन्होंने टाइमिंग दी हुई है, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ घूम सकते हैं 10 रुपये दे के। कार्यालय विकास खंड अधिकारी, ये देखो ये है बेरी बाग। यहाँ लिखा हुआ है सौजन्य से सहारनपुर विकास प्राधिकरण स्वच्छ भारत। मौसम जो है वो बहुत बढ़िया, बेहतरीन मौसम हो चुका है, मौसम बढ़िया और हरियाली। ये देखो आप, पूरा बाग है, हर तरफ पेड़ पेड़ पेड़। ये आम के पेड़ हैं, सड़क देखो आप कितनी बड़ी सड़कें बनी हैं। और ये हमारे लड्डू लाल सी घूम रहे हैं, लड्डू हम भी घूम रहे हैं, देखो आप घूम रहे हो, देखो ऊपर देखो, देखो कैमरे को दिखा दो, अरे कैमरे को, ओए मैं भी घूम लियो, स्माइल कर, स्माइल कर दो, स्माइल कर देता हूँ मैं। चलो अब आगे देखो, अच्छा जिसको पता हो, जिसको खेती का या किसका पता, तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना कि ये जो इस तरह की पुल लगी हैं, पन्नियाँ लगी हैं, इनका क्या रीज़न होगा, एग्जैक्ट रीज़न क्या होगा मुझे थोड़ा बताएंगे, जिनको पता हो इस बारे में, कि मुझे नॉलेज नहीं है कि ये पन्नियाँ इस तरह से, क्योंकि तो लगभग सभी में लगी हुई हैं, तो ये क्यों लगी हैं प्लीज़ कमेंट करके बताइए ज़रूर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, मोस्टली जो है यहाँ पर सब घूमने वाले ज़्यादा हैं, वॉकिंग रनिंग, क्योंकि ट्रैक बने हुए बहुत बढ़िया, एक बढ़िया ट्रैक बनाया, तो लोग यहाँ वॉकिंग के लिए आ सकते हैं, वॉकिंग करने या रनिंग के पर्पस से बहुत बढ़िया है ये। ये छोटा सा रास्ता है बस यहीं तक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर बोर्ड में लिखा हुआ है बहुत बढ़िया थी आदर्श आम वृक्ष, तो ये आमों के प्रकार लिखे हुए हैं इन्होंने यहाँ। उधर भी तो जंगल ही है, बटरफ्लाई पार्क। उधर तो कुछ नहीं है,
तितली पार्क है ये। लेकिन तितलियां तो यहाँ कोई दिख नहीं रही अभी तक। क्या? हाँ आ जाओ। ये जो दिख रहा है ना, ये डिज़ाइन भी जो है वो तितली का डिज़ाइन है पूरा। अगर इसका ऊपर से देखेंगे तो ये जो है पूरा एक तितली का डिज़ाइन है। वो देखो सामने एक बंदर महाराज झूला झूल रहे हैं मज़े से, और यहाँ एक मटका लगा हुआ है जो शायद इसमें पानी वगैरह आता होगा। फिलहाल ये पानी वगैरह जो है वो बहुत बुरी हालत में है, गंदगी बहुत है। तो देख सकते हैं ये, आप देख सकते हैं कि ये शायद जो है पॉली हाउस रहा होगा कभी। अभी तो फिलहाल ये हॉरिबल हाउस टाइप का है, सब उजड़ा पड़ा है यहाँ। तो रहा होगा कभी पॉली हाउस। तो जो भी है, वैसे आज मौसम की वजह से ज़्यादा बेटर लग रहा है यहाँ पर, बड़ा आनंद में आ रहा है। और हरियाली तो खैर कूट कूट के भरी हुई है, काफ़ी बड़ा है ये। पुल के नीचे भी पौधारोपण। कितना खूब बड़ा पेड़, इसकी जड़ देखो आप, इसका जो तना है वो देखो, और ये शाबाश, देख भी नहीं पा रहा मैं तो पूरी मंडी पर उठा के। और अच्छा बड़ा है ये भी, पेड़ जो है वो काफ़ी बड़े बड़े हैं यहाँ। सहारनपुर विकास प्राधिकरण उद्यान विकास समिति, मेन बात है इसमें पार्क का जो क्षेत्रफल है वो 16,188 वर्ग मीटर है। ठीक है चलो, वो देखो ये कुटिया भी है यहाँ, एक यहाँ कुटिया भी है, देखो ऐसे रास्ता भी है। देखो डॉगी 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 डॉगी, हाँ डॉगी डॉगी है। वो देखो अंदर, देखो अंदर झोपड़ी भी है। हाँ देखो झोपड़ी, देखो देखो झोपड़ी दिख रही है, नहीं देखी? देखी नहीं यार, पेड़ ही पेड़ है, कहाँ दिखेगी झोपड़ी। देखो अभी खाते हैं झोपड़ी। ये री झोपड़ी, देखो झोपड़ी झोपड़ी। बाकी अगर आपको शौक़ है हरियाली का, नेचर का, अगर आप चेक करते हो, नेचर लवर अगर आप हो तो ये बहुत अच्छी प्लेस है नेचर लवर्स के लिए, क्योंकि यहाँ पेड़ पौधे और शांति वो आपको कूट कूट के मिलने वाली है। नो डस्ट नो पोल्यूशन,
और शांति ही शांति है। आप चाहे तो कहीं बैठ जाएं शांति के लिए, और नहीं तो आप ऐसे जैसे वॉकिंग कर रहे हैं वॉकिंग कर सकते हैं। तो लोग ज़्यादातर यहाँ वॉकिंग के पर्पज़ से आते हैं, क्योंकि एक तो ग्रीनरी है, हर तरफ पेड़ हैं और रोड्स अच्छी बनी हुई है यहाँ पर, जो ट्रैकिंग के लिए बना हुआ है रोड। आप देख रहे हो पीछे रोड दिख रहा है, तो ये रोड बना हुआ है। तो लोग जो है वो वॉकिंग करते हैं यहाँ पर और एंजॉय करते हैं ऑक्सीजन को। तो देखिए आप, ऐसा है ये बेरी बाग, काफ़ी बड़ा है, पूरा घूमना बहुत मुश्किल। फट जा फट जा फट पड़ फट जा पड़ फट। अभी इतना बड़ा पार्क है कि अगर हम सारे घूमने लगे तो हम थक जाएंगे और खो जाएंगे इसमें। कहीं ज़्यादा नहीं घूमते, थोड़ा बहुत घूमते हैं और घूम घाम के चलते हैं वापस, करके अभी हमें वापस घर भी पहुंचना है, तो वहाँ भी टाइम लगेगा जाने में, हमें घर पहुंचने में। तो फ़िलहाल के लिए तो अभी इतना घूम लिया है बहुत है घर, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। अब तक के लिए बाय 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 कर दो बाय बाय कैमरे में, कर दो कैमरे को बाय, या कर दो बाय 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 बाय।